की तिरुपति की ट्रेन, इस बार जरूर हम लोग सब जाए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले जाने वाला समय कि हजरत निजामुद्दीन से तिरुपति वाली ट्रेन आज ग्वालियर में रुकने वाली है। मेरे भाइयों ने रेल मंत्री जी के दरबार में जाना पड़ता है, हमारे विधायक जसपाल सिंह जज्जी जी, हमारे पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी जी, हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए का फिक्र करवाया था। कोटा पीना का विद्युतीकरण 700 करोड़ रुपए का कर, और जनवरी के माह में 250 करोड़ रुपए का नया ग्वालियर का स्टेशन की काम की शुरुआत हो जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, इसमें एस्केलेटर लगेंगे, अलग अलग टर्मिनल लगेंगे और पुरानी संस्कृति को भी हम सम्मिलित करके ये नया स्टेशन बनाने वाले हैं। 2 नए आरओबी बनेंगी। आज वो संभव हो चुका है क्योंकि हजरत निजामुद्दीन से तिरुपति वाली ट्रेन आज ग्वालियर में रुकने वाली है। मेरे भाइयों ने अमृत महोत्सव के दिवस पर 75 ऐसे वंदे भारत ट्रेन चलेंगे जो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। मैंने रेल मंत्री जी से मांग रखी है कि एक वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और ग्वालियर के बीच में भी चलनी चाहिए जो अगले साल मंजूर की जाएगी। आ गई हमारी तिरुपति की ट्रेन, इस बार जरूर हम लोग सब जाए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले जाने वाला समय ग्वालियर की रेल सुविधा में, विमान सुविधा में प्रगति करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे करूंगा ज्ञान साहब से कि सभी हमारे अधिकारियों को निवेदन है कि प्रशांत स्थल तक चलकर हिंदी दिखाकर ट्रेन प्रशांत की आज्ञा दें। धन्यवाद सर। Thank you.
आ जाइए।